हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक क्लाइंट के घर पे उसका बाथरूम का लीकेज हो रहा है, कंप्लेन था, मैं उसको देखने के लिए आया हूं। मैंने सोचा कि इसमें एक आपको वीडियो बनाता हूं, इसलिए मैं इसको क्यों क्या हो रहा है प्रॉब्लम क्लाइंट का लीकेज है कि यहाँ पर प्लास्टिंग का नीचे ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरता रहता है, कभी भी देखो गिरता रहता है। ये क्यों आता है, ये ओवरफ्लो हो रहा है टैंक, ओवरफ्लो है तो उसको कैसे रेडी करना इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। लाइक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, अभी आप एक लाइक कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या है इसमें, क्यों लीकेज हो रहा है। अभी देखिए, ये प्लास्टिंग की कवर अभी हमने खोल दिया है इसको, लेकिन ये फ्लैश टैंक में ये जो बल्कक है वो पानी जितना भरना चाहिए उससे एक्सेस भर रहा है, क्योंकि इसमें एक मार्क है यहाँ पे, वो मार्क से ऊपर पानी नहीं आना। तो ये है फ्लैश टैंकी का बल्कक, इसी में पानी कंट्रोल होता है और इसको एडजस्ट करना पड़ता है। पहले तो क्या है, अगर कुछ इसी तरह का ज़्यादा पानी भर रहा है तो हम इसको यहाँ पे जो एक दिया है स्क्रू टाइप, इसी को स्क्रू ड्राइवर में हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको ऐसे घुमाने के बाद वो एडजस्ट होता, पानी बंद होता। थोड़ा सा हाफ फ्लश करके छोड़ना है आपको, पानी उतना में कंट्रोल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, इसको खोलना है। ये बल्क का जो एक कप लगा हुआ है इसको खोलना पड़ता, इसको आपको इस तरह का पहले पानी बंद कर देना है। अब हम इसको खोलेंगे, इस तरह ये थ्रेडिंग टाइप रहता है, ये ऐसे आराम से घूमता है, इसको ऐसे खोलना है। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। ये खोलने के बाद जो पानी को कंट्रोल करता है उसमें एक स्टिक रहता और एक बल्ब रहता। यहाँ पे ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम है, जब हम इसको टाइट करेंगे पानी जब ऐसे ऊपर आएगा तो ये बॉटम को प्रेस करेगा। प्रेस करने के बाद इसका अंदर एक वाशर है, अगर ये वाशर कुछ हार्ड हो गया या तो फट गया या सड़ गया, कुछ भी होने दो, तो ये पानी को कंट्रोल नहीं करता है। ये है वाशर, ये हार्ड हो गया है, ये थोड़ा ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि ये वाशर ऐसे ही टच रहता। जब ये बटन उसको प्रेस करेगा, ये वाशर आगे आने के बाद यहाँ पे वो टच होता है, जो पानी यहाँ चालू रहता है, देखिए मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे पानी आता है तो उसका ये रबर जाके उसको स्टॉप करता, क्योंकि ये जब ये पानी भरेगा ये बॉल ऊपर आने के बाद ये बटन को प्रेस करता है। प्रेस करने के बाद ये रबर वाशर जाके उसमें टच हो जाएगा। तो ये वाशर थोड़ा हार्ड हो चुका है, हम इसलिए एक दूसरा वाशर डालेंगे। अब ये वाशर उसको इसी तरह का पहले इसमें पानी बंद करके उसका अंदर डाल देना है। ये बड़ा साइज जो है आउटर में रहना, छोटा जो बटन है वो अंदर रहना। वाशर को इसी टाइप का डालना, ये वाशर ऐसा रहता है, हमको बड़ा साइज जो मार्क है वो बाहर की तरफ रहना, ऐसे ही डाल देना है, फिर हम इसको लगाएंगे। अब ये लगाने से पहले ये बटन को अंदर डाल देना है, डालने के बाद फिर हम उसको टाइट करेंगे। टाइट करने का टाइम में इसमें भी मार्क है, इस साइड में एक मार्क है, उस मार्क का यहाँ पे जो बटन है, बटन और मार्क दोनों सेम लेवल रहना चाहिए, उसी का अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाता, ये बाहर ही रुकता। जब हम इसको अंदर करेंगे, देखो ये अभी बाहर रहे, अभी अंदर जाने के लिए पहले हमको थोड़ा इसको एडजस्ट करके घुमाए तो ये बटन अंदर जाता, अब ये चला गया। अब हम इसको टाइट कर देते, अब इसको फुल टाइट कर देना है और इसको थोड़ा सा हिला के टाइट करना ताकि अच्छे से सेट से बैठे ना। अब ये लग गया, अब हम उसको फ्लश कर देंगे, अब पानी को खोलेंगे। अभी पानी चालू हुआ है,
पानी चालू होने के बाद फिर हमको बल उठा के देखना है, बल अगर यहाँ तक आने के बाद पानी बंद होना चाहिए, अगर यहाँ से ऊपर आया तो पानी बंद नहीं होता, तो उसमें हमको स्क्रू ड्राइवर में एडजस्ट करना पड़ता है। इसी तरह का स्क्रू ड्राइवर में इस नट जो है, यहाँ पे जो नट है वो प्लास्टिक स्क्रू टाइप रहता है, इसको हम ऐसे ही स्क्रू ड्राइवर में घुमा के उसको टाइट करना है। फिर हमको देखना है बल अगर यहाँ तक आया तो बंद होना, अगर बल यहाँ तक रहे तो पानी यहीं तक ही रहेगा, क्योंकि पानी ही बल को ऊपर उठाता है, उठाने के बाद ये ऊपर आ गया तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक हमको ये मार्क जो है रहता है, यहाँ पे कॉर्नर में मार्क है, ये कॉर्नर में मार्क है, यहाँ से इधर से ऊपर आया तो ये पानी ओवरफ्लो होता है, ये ओवरफ्लो साइड में दिया गया ओवरफ्लो है, यहाँ पे ओवरफ्लो दिया गया है, ओवरफ्लो का लेवल में ये बॉटम का है, यहाँ से भी पानी देखो गिर गिर के मार्क हो चुका है, यहाँ से भी पानी गिरता है, तो इसलिए हमको थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा। वो सिर्फ एडजस्टेबल है, वो चाहे तो आप घर में कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। अभी इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया तो पानी रुक गया। और ये बेसिक मॉडल फ्लश टैंक है, बाकी जो डबल साइपन का जो कमर का साथ आता है वो डबल साइपन रहता है, सभी का वाशर बल्क का अंदर, ये जो फ्लश का अंदर जो बल्कक है, बल्क का अंदर सभी का इसी टाइप का आता है, और कोई कोई का थोड़ा डिफरेंट आता है, लेकिन सिस्टम यही है, क्योंकि यही रबर वाशर ही पानी बंद करता है। आप अगर देखें तो इसको खोल के इसका वाशर चेंज कर देना है, वाशर चेंज कर दिया तो ये ठीक हो जाता है। और ये फ्लैशबल है, अंदर फ्लैशबल का वाशर कैसे चेंज करता है मैं ऑलरेडी इसके वीडियो दिया हूँ, मैं आई बटन में मेरा वीडियो देख सकते हैं, ये जो फ्लैशबल कैसे उसको रिपेयर करते हैं इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया है। और ये इसी तरह का बल्क का एडजस्ट होता है, इसके लिए कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है या चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ज़्यादा कुछ खराब हो गया तो ये सिस्टम जो है ये बल्क का चेंज कर सकते हो, कोई भी हार्डवेयर शॉप में ये मिल जाता है, आप इसको लाके इसी तरह फिट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर वाशर गया है तो वाशर चेंज कर दिया तो इस तरह का हो जाता है। और ये जो वाशर है वो सब डिफरेंट आता है, एक ही साइज़ का नहीं आता है, सब अलग अलग आता है, आपको पहले इसको खोलना है, उसका जो साइज है वो जाके हार्डवेयर में दिखाए तो या बताए तो मिल जाएगा। सिस्टम अच्छा से हो गया और पानी भी देखो लेवल में आ रहा है, अभी ये ओवरफ्लो नहीं होता। ओवरफ्लो होने का जो प्लास्टिक का ये साइड में होने दो, वो ओवरफ्लो में होने दो, जब भी पानी गिरता है सिर्फ बल्क का प्रॉब्लम होता है। आप इसी को थोड़ा पहले एडजस्ट करो, अगर नहीं हुआ तो इसको खोल के इसका वाशर चेंज करना पड़ता है, अगर वाशर चेंज कर दिया तो ये इसका अंदर वाशर चेंज हो गया तो ये ठीक से काम करना कर देता है। अगर बल्ब टूट गया, ऐसा कुछ सिस्टम टूट गया तो ये पूरा पीस आप चेंज कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको प्लम्बिंग के बारे में पूछना है आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही है।